नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के मुद्दा बनाया था, और अब बीजेपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ उस मुद्दे से कोई समझौता नहीं करना चाहते। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कानून व्यवस्था को लेकर के सख्त आदेश दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। और अब खबरें निकल के ये आ रही हैं कि जिन जिलों में अपराध का ग्राफ ज्यादा है वहां पे जल्द ही कमिश्नरी प्रणाली लागू हो सकती है। दरअसल प्रदेश के 4 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था पहले से लागू है, जिनमें राज्य की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर शामिल है। इन जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद अपराध का ग्राफ जो है वो काफी नीचे आया है। इसी सफलता को आधार बनाते हुए अब खबरें ये आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश का गृह विभाग इसकी तैयारी में जुटा है कि जिन जिलों में अपराध का ग्राफ ज्यादा है वहां पर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करवाई जाए। ऐसे में राज्य के जिन जिलों में कानून व्यवस्था बड़ा विषय है वहाँ पर इसे लागू किए जाने को लेकर के तैयारियां चल रही है। यही वजह है कि बिगड़ते कानून व्यवस्था को देखते हुए गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और प्रयागराज जैसे शहरों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने पर बल दिया जा रहा है और जल्द ही इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी चल रही है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम प्रणाली अधिनियम 1861 पर आधारित है। भारत के कई महानगरों में यह प्रणाली पहले से लागू है। इस व्यवस्था में पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डीएम के कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाते हैं। इस प्रणाली में पुलिस खुद ही किसी भी हालात में कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले ले सकती है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकल के सामने आई है, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जल्द ही पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाएगा। इन जिलों में गाजियाबाद, आगरा, मेरठ और प्रयागराज का नाम शामिल है।